लाभान्वित करने के आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सतान जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई समित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी श्री समीर रंजन पंडा जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और प्रदेश भर से आए हुए और प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबको वर्ष 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम, चार नए प्लेस पार्क्स के विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम, सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टूल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दिशा से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और वर्ष में आपका जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 7.5 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ, आर्थिक विकास दर के साथ देश के अंदर
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टीम वर्क का परिणाम यही होता है, जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं उसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं, और ये परिणाम आज हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, हर निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति उत्तर प्रदेश में निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब आश्चर्य करेंगे 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब, जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1,10,00,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान अप्लाई नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला उद्यमी खुशहाली के साथ अपने बिजनेस को ही बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार देने में भी सफल होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडीओ रेशो 44-45% था, उससे भी कम था, और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ, आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से, हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आई है, उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है, हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है, अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया है, यानी कुछ नयापन करके दिखाया है, लकीर के फकीर नहीं बने, कुछ नया दिया है, और इस नए को बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, जहां पे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य के इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए, वहां पर जो उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी कहा, कॉफी टेबल बुक तक हमें सीमित नहीं रहना, हर जिले की उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। हर जिले की उत्पाद की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए, हम देखें कौन अच्छा उत्पाद आ रहा है, पैकेजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए। अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में माटी कला बोर्ड के माध्यम से यहां पर अपने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को इलेक्ट्रिक चाक दिए हैं। इलेक्ट्रिक चाक का एक टेक्नोलॉजी है, पहले मैनुअल चाक आता था, मैनुअल चाक में एक दिन में
50-60 बर्तन बना पाते थे। आखिर हाथ की तो अपनी सीमा होगी, कितना घुमाएगा व्यक्ति हाथ को, कितना घुमाता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गया है, इलेक्ट्रिक चाक ने उसके काम को आसान किया है। 50-60 जो बर्तन बनते थे, अब इसी इलेक्ट्रिक चाक में 450 बर्तन बनेंगे। आखिर उतने ही समय में वह उससे कई गुना प्रोडक्ट दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लागत कम होगी, उसकी आमदनी ज्यादा होगी और मार्केट पे यानी उस व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी। लागत कम होगी तो कॉमन मैन को भी राहत मिलेगी और टेक्नोलॉजी इस रूप में हमारे लिए सहायक हो सकता है। यह टेक्नोलॉजी को इसी रूप में दिया जा रहा है। फ्लैश पार्क की स्कीम, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बन सके, 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के बीच में कोई बनाना चाहेगा, सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है। और मुझे प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, ODOP भी यूपी ने दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान यूपी ने दिया, अब फ्लैश पार्क भी यूपी दे रहा है। एक 10वां फ्लैश पार्क जिसमें प्राइवेट पार्टी आकर के अपने पार्क को डेवलप करेगी और फेज वाइज सरकार उसको इंसेंटिव देगी। इसमें MSME यूनिट लगेंगे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। एक नए कार्य CFC का उद्घाटन, ये एक नया प्रयास, एक चौथी नई स्कीम इस फील्ड की। और इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं, 96 लाख MSME यूनिट हमारे पास है। अगर हमारे साथ बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़ जाते हैं और इन 96 लाख MSME यूनिट को हम फिर से रिवाइव कर दें, इस समय क्योंकि हमने इसमें MSME यूनिट को 5 लाख रुपए की एक बीमा, सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, तो स्वाभाविक रूप से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बढ़ी है तेजी के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन ये 96 लाख हमारे इसमें पोर्टल में रजिस्टर्ड हों और इसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और मैं बैंकर्स से कहूंगा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है, आप देंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कॉमन मैन का आप पे विश्वास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा तो देश भी खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा और मैं स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें रुचि ली और आज इसी का परिणाम है कि 43-44% का जो हमारा CD रेशो था वो बढ़कर के अब 56-57% तक पहुंच चुका है। लेकिन इसको 60% तक करना और फिर 65% तक ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 60% तक पहुंचा, अगले वित्तीय वर्ष में इसको 65% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम काम करें। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा, एक नया मार्ग उनके लिए होगा, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, घर में बैठे बैठे लोगों को रोजगार मिलेगा। महिला हो या पुरुष, आपने देखा होगा अभी महिलाएं भी आई, उन्होंने ODOP में यहां से अपने चेक लिए। खास तौर पर अलग अलग सेक्टर में लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास एक हौसला है, उनके पास एक अनुभव है, उनको एक विश्वास है, हमें उनके विश्वास पर स्वयं भी खरा उतरना है, उनके प्रशिक्षण के लिए उचित मंच भी हमें उन्हें प्रदान करना है। एक बड़ा कार्य हो सकता है और अगर समाज में खुशहाली आएगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से बैंक का बिजनेस स्वयं ही उससे बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। अगला एक दशक उत्तर प्रदेश के पास पड़ा हुआ है, इस एक दशक में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है और इस दिशा में मुझे लगता है हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।
अगर हम 6 वर्ष में छठी सातवीं अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, कोई कारण नहीं अब दूसरी से नंबर एक न हो जाए, हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है, अकेले अयोध्या में ही 85 गुना बढ़ा है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कितनी संभावनाएं, टूरिज्म हमारे पास, निवेश हमारे पास, एमएसएमई सेक्टर एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के लिए मैंने बार बार कहा है कि इसमें हमें डिजाइनिंग के साथ में, पैकेजिंग के साथ में, मार्केटिंग के साथ में इनको जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा, और विभाग यही फैसिलिटेट करने में थोड़ी रुचि लेकर के इनकी ग्रेडिंग भी करना शुरू कर दें। मार्केट की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट अगर आप देंगे, आपकी एमएसएमई जो यूनिट है इनके सामने चाइना फेल हो जाएगा, उनकी ट्राई सिटी फेल हो जाएगी। ये घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और साथ साथ आपके बेहतरीन प्रोडक्ट दे करके आप लोगों को संतुष्ट भी कर पाएंगे, और हर प्रकार का वो आपके पास है, ग्लास के आइटम हो, ब्रॉस के हो, लेदर के हो, लकड़ी के हो, स्पोर्ट्स के हो, कालीन का हो, चिकनकारी का हो, रेशम का हो, कौन से ऐसा सेक्टर है जिसमें आप मिट्टी का हो, टेराकोटा इसका भी, और पत्थरों का है वह भी आपका, बांदा का पत्थर, ये कौन से ऐसा सेक्टर है जिसकी संभावनाएं आपके पास ना हो, थोड़ा प्रयास करना होगा। और इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास को अब एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक दूसरा, हमें इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे कि बार बार इंटरेक्शन होना एमएसएमई यूनिट के साथ जिले वाइज, क्या उनकी समस्या है, कहां पीएनजी की आवश्यकता है, कहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, कहां पे उनके अन्य समस्याओं का समाधान, कहां उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने के लिए लोन मेला लगाना है, कहां उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ उनके ट्रेनिंग के बेहतरीन केंद्र हम बनाएं, कहां पे हमारे पैकेजिंग सेंटर आए, कहीं कहां पे डिजाइन सेंटर आए, कहां पे हमें कौन सी ऐसी चीजें उनको देनी है जिसको हम आगे बढ़ा लें। और इसके साथ ही हमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो निरंतर इनका मूल्यांकन करते हुए इनकी ग्रेडिंग को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। कोई कारण नहीं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अपने रास्ते पर बढ़ चुके हैं, मंजिल आपके लिए आसान है, बस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और आज का ये प्रयास उसी दिशा में किया जाने वाला एक उसी का एक पार्ट है। 51,000 करोड़ रुपए आज जब हम इस राशि को देख रहे थे, ये यूपी के शेड्यूल रेशियो को तो बढ़ाई गई है, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किन संभावनाओं से भरा हुआ है। हम लोग जब आए थे, उत्तर प्रदेश का कुल बजट 2 लाख करोड़ के आसपास था, और आज हम 51,000 रुपये ऋण वितरण कर रहे हैं यहां पे एक दिन में। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश में संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को नई उड़ान के लिए तैयार नहीं किया गया था, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने उसका दुरुपयोग जरूर किया होगा। और आज उन संभावनाओं को गति देने के लिए ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। जो रिफॉर्म किए हैं एमएसएमई ने पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, उस रिफॉर्म को भी और गति देने की आवश्यकता है, और भी गति देने की आवश्यकता है, और उस गति को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
ते प्रयास और बेहतरीन रंग लाएगा। शेड्यूल रेशो को अगले 3 वर्ष के अंदर और बेहतर करने के साथ 57 के आसपास पहुंच चुके हैं, 3% और हमें बढ़ाना है और इस संभावना हमारे पास है, हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। हमारे बैंकर्स भी इसमें हैं। सिक यूनिट, एमएसएमई की सिक यूनिट के लिए भी हमें एक ठोस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना होगा। कैसे हम इसको अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसके सर्वाइव करने के लिए क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं, एक्सपर्ट को हमें उनके साथ जोड़ना होगा, निर्णय लेने की गति को बढ़ाना होगा। यह जो निर्णय लेने की हमारी गति होगी, यह उसे एक नई ऊंचाइयों को की तरफ की ओर उसके उसे अग्रसर करने में मदद करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हुए प्रयास के परिणाम आज हमारे सामने है। आने वाले समय में इसके परिणाम और बेहतर होंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासतौर पर उन सभी एमएसएमई यूनिट को जो विश्वकर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत परंपरागत उद्यम के लिए व्यवसाय करने के लिए अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 51,000 करोड़ रुपए के इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको तो मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ जिन्होंने प्रशिक्षण लेकर के टूल किट्स प्राप्त किए हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं कि वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करें, पूरी तन्मयता के साथ कार्य करें। सरकार उन्हें हर प्रकार की मदद करेगी, हमेशा उनके साथ में है। ई रिक्शा की चाबी दी गई है 3 महिलाओं को, एक अच्छा प्रयास। स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके उनके रूट तय होने चाहिए, अच्छा होगा। नगर विकास के साथ में, गृह विभाग के साथ में, एमएसएमई विभाग बैठक करें। हम जिसको लोन दें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ साथ उसकी वह पूंजी उसको स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर कर सके और पूंजी के रिटर्न की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा सके। इस समय प्रयास होना चाहिए डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें हमें जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम इसको देखें, इस दिशा में प्रयास करें। डिजिटल पेमेंट के साथ अगर कोई जुड़ता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए इसमें हम कुछ इंसेंटिव व्यवस्था, कुछ इंसेंटिव करें, कुछ दें उसमें, जिससे टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम हर जीव हर व्यक्ति हर नागरिक के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में मदद कर सकेंगे। और आज यहां पे इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जो सामान्य सुविधा केंद्र खुले हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और अच्छा किया जा सकता है, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हो सकता है। और जहां हम ये CFC खोलते हैं वहां के उद्यमियों के साथ बैठक करके, उनके साथ इंटरेक्शन करके क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप अगर हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें तो ये इसके परिणाम और अच्छे आ सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं।